नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। सीएम के घर चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कांदीवली पुलिस ने यूपी के गोंडा से किया गिरफ्तार। 13 लाख के गहने भी किए बरामद। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। मुंबई के कांदीवली पुलिस ने घर में काम करने वाले एक नौकर को गिरफ्तार किया है, जो अपने साथी के साथ मिलकर घर में रखे सोने और चांदी के गहने चुराकर भाग गया था। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को यूपी के गोंडा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पर पंजाब के मुख्यमंत्री के बंगले में भी चोरी करने का आरोप है। वहीं पुलिस ने उसके पास से 13 लाख कीमत के गहने जब्त कर लिए। दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि कांदीवली पुलिस स्टेशन की हद में गौरव पैलेस मोदी रोड के पास रहने वाले गौरव केतन शाह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके फ्लैट में नौकर का काम करने वाला राम कुमार अमरनाथ 1 जनवरी से 23 जनवरी तक काम पर आया था। उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। वहीं शाह ने पुलिस को बताया कि उसके घर से 17 लाख कीमत के सोने और चांदी के गहने गायब हैं। जब शाह परिवार ने अपने घर के लॉकर और घर में रखे सोने के गहने देखे तो सब गायब थे। पुलिस ने शाह को नौकर राम कुमार द्वारा दिए गए दस्तावेज के आधार पर जांच की तो पता चला कि दस्तावेज फर्जी है। वहीं कांदीवली पुलिस स्टेशन के सीनियर PI दिनकर जाधव और PSI सूर्यकांत पवार और उनकी टीम में सत्यवान जगदाले, अनिल जैतापकर राउत, दादा साहेब घोड़के, श्रीकांत तावड़े ने मिलकर तकनीकी यंत्रण के तहत उत्तर प्रदेश के गोंडा इलाके से एक आरोपी जवाहर मंगनू पांडे 35 को 14 मार्च को रामपुर गोंडा से गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी के पास से 13 लाख कीमत के गहने जब्त कर लिए। कांदीवली सीनियर PI दिनकर जाधव ने बताया कि शाह के घर में नौकर और उसके साथी जवाहर ने मिलकर चोरी को अंजाम दिया था। चोरी के गहने एक सोनार की दुकान पर गिरवी रखकर पैसे ले लिए थे। फिलहाल पुलिस ने 13 लाख के गहने जब्त कर लिए और दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है। वहीं जांच में पता चला कि पकड़े गए आरोपी के ऊपर पंजाब के मुख्यमंत्री के बंगले में भी चोरी के आरोप लगे हैं। यह लोग मुंबई के कई अलग अलग हाई प्रोफाइल सोसाइटी में नौकर का काम कर चुके हैं। इनके मोड्स अप्रेंडिस है कि जिस फ्लैट में ज़्यादा सोना गहने रखे होते थे वह वहां ज़्यादा दिन तक काम करते थे। पेश है मुंबई की यह एक रिपोर्ट। कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक नौकर चोरी का केस रजिस्टर हुआ था 23 जनवरी 2022 को। CR नंबर है 38/22/381 IPC। इसकी ब्रीफ में मालूमात ऐसी है कि कांदिवली के रहने वाले कुटुंबीय है, शाह कुटुंबीय, उन्होंने घर में एक नौकर रखा था जिसका नाम राम कुमार अमरनाथ, उसने यह नाम बताया था। तकरीबन 23 दिन उसने घर में काम किया, 1 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक। और 23 जनवरी को वो और उसका एक साथी दोनों ने मिलके उनके घर के जो पहला माला है उसमें उनके जो माताजी है उनके जेवरात थे वो कबड़ से चोरी करके भाग गया था। घर का सब सामान अस्त व्यस्त देखने के बाद घर वालों को ये बात मालूम पड़ी, उन्होंने पुलिस स्टेशन में इसके बारे में कंप्लेंट दाखिल की थी। इस पर 17 लाख रुपए के सोने और डायमंड्स और चांदी के जेवरात चोरी हो गए थे। इसमें जो नौकर था उसका मोबाइल नंबर पुलिस को मिला था। ये इतनी बड़ी मूल्य की चोरी होने की वजह से हमने जो हमारे अपर पुलिस आयुक्त पश्चिम उत्तर प्रादेशिक विभाग पडवाल साहब है और DCP विशाल ठाकुर सर, इनका पुलिस स्टेशन ने और पूरे टीम ने एक मार्गदर्शन लिया। वो उनके मार्गदर्शन पर कांदिवली पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर भास्कर पवार और उनकी एक टीम का गठन किया गया। आरोपी इनका ट्रेस जो है गोंडा जिले से आ रहा था उत्तर प्रदेश के। ये टीम ने लगातार वहाँ 30-35 दिन तहकीकात करके आखिर में उसमें से एक आरोपी को अरेस्ट किया है। 29 14 दिन
22 को उनको गोंडा ज़िले से अरेस्ट किया है और उससे 13 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। आरोपी सर कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पहले भी कुछ इस तरह के मामले चल रहे हैं? जो आरोपी अभी पकड़ा गया है उसका नाम है जवाहर मगनू पांडे उर्फ बच्चू। इसका लुधियाना पंजाब में 2 केसेस है इसके पहले के। एक केस है 395 IPC की और दूसरा जो है वो भी नौकर चोरी का ही केस है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने एक CM के घर पर भी चोरी की थी, उस बारे में आप लोग भी मालूमात दे रहे हैं।